हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये लेक्चर नंबर थ्योरी लेक्चर वन का कंटिन्यूशन है जो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है, पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टोरियल्स। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको फटाफट से वॉच करें और इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। आज हम यूलर्स थ्योरम या आइलर्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये भी एक तरह से फरमास थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं फरमास थ्योरम इससे आया है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सीखेंगे कि आइलर्स फंक्शन क्या होता है। तो फाई इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो कोई भी नंबर है अगर नेचुरल नंबर है तो हम फाई ऑफ एन निकाल सकते हैं। अब फाई ऑफ नंबर का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एन विच आर को प्राइम विथ एन। को प्राइम यानी इनका वन के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। एच सी एफ इन दोनों का क्या आना चाहिए, वन। ऐसे कितने नंबर हैं उसको ये काउंट कर लेगा, ठीक है। जैसे मान लो फाई ऑफ वन है तो वन या वन से छोटा नेचुरल नंबर एक ही है, और वन को प्राइम है तो फाई ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन। इसी तरह फाई ऑफ टू क्या आ जाएगा, टू या टू से छोटे हमारे पास नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, वापस वन और टू। टू और वन को प्राइम है लेकिन टू और टू तो नहीं है तो ये भी वन होगा। फाई ऑफ थ्री अगर अपन देखेंगे तो फाई ऑफ थ्री में इससे छोटे नंबर कौन कौन से है, थ्री से वन टू थ्री। थ्री और वन को प्राइम है, थ्री और टू को प्राइम है, पर थ्री और थ्री नहीं है तो ऐसे दो पेयर मिल गए। इसी तरह मान लो आपको फाइव ऑफ टेन चाहिए तो टेन से छोटे नंबर कौन से है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और टेन तक लेना है अपन को तो नाइन के बाद टेन तक ले लेते हैं। वन और टेन को प्राइम है, टू और टेन नहीं है, थ्री और टेन है, फोर भी नहीं है कॉमन आ जाता है, टू फाइव भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है, सेवन आ जाएगा, एट भी नहीं है, नाइन आ जाएगा, टेन नहीं है। तो वन थ्री सेवन नाइन, टोटल चार ऐसे नंबर है टेन या टेन से छोटे जो उसके साथ को प्राइम हो जाएंगे, है ना। तो अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऐसे एक एक तो काउंट नहीं करेंगे हम। तो फाई ऑफ एन का ये फॉर्मूला होता है कि हम फाई ऑफ एन को लिख सकते हैं, फाई ऑफ एन इज इक्वल टू एन इनटू, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन, जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सब यहाँ आ जाएंगे, है ना। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं तो हम लिख सकते हैं वन माइनस वन अपॉन पी वन, फिर इनटू में वापस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन माइनस वन अपॉन पी टू। ऐसे अगर फाइव प्राइम नंबर्स है, टेन प्राइम नंबर्स है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो वन अपॉन वन माइनस यहाँ पर प्राइम में आ जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ फाइव ऑफ टेन देखा तो फाइव ऑफ टेन हम देखते हैं फोर आता है या नहीं आता है, तो फाइव ऑफ टेन में इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन। अब टेन के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, टू की पावर वन, फाइव की पावर वन, तो ये हो जाएगा दो ही प्राइम आ रहे हैं, एक टू और एक फाइव। तो वन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन माइनस वन अपॉन फाइव। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इंटू हाफ इंटू फोर बाय फाइव, पूरा सॉल्व करने पर आ गया फोर। तो टेन या टेन से छोटे उसके साथ को प्राइम नंबर्स कितने, फोर। इसी तरह मान लो आपको निकालना है फाइव ऑफ हंड्रेड, या मान लो लेते हैं फाइव ऑफ थ्री हंड्रेड। तो फाइव ऑफ थ्री हंड्रेड का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, टू स्क्वायर थ्री की पावर वन फाइव की पावर टू, है ना। तो टोटल थ्री प्राइम नंबर है, टू थ्री फाइव। तो इसका फंक्शन आइलर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर थ्री हंड्रेड तो आएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, वन माइनस वन बाई टू आएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री, और फिर इसके साथ हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, वन माइनस वन बाई फाइव। तो अपन अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये आ जाएगा थ्री हंड्रेड, है ना, साथ में आ जाएगा हाफ, साथ में आ जाएगा टू बाई थ्री, और उसके साथ में आ जाएगा फोर बाय फाइव, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, अगर अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो आई होप आपको ये फंक्शन का मीनिंग समझ में आया। अब हम देखते हैं इसको अपन यूज कैसे कर सकते हैं। तो आइलर थ्योरम क्या बोलती है ना, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में नंबर थ्योरी, अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज एक बार चैनल पे जाकर उससे वापस देख कर आए। अभी हम इसकी बात करते हैं कि अगर एन और ए को प्राइम है, फरमास थ्योरम के अंदर तो क्या था, नंबर प्राइम होना जरूरी था, यहाँ एन कॉम्पोजिट भी हो सकता है, इसीलिए एक बड़ी थ्योरम है। तो एन और ए अगर आपस में को प्राइम है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए की पावर फाइव एन जो है ना, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो
एन। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि एन आप प्राइम रख सकते हैं, एन आप कॉम्पोजिट रख सकते हैं, एन आप कैसा भी नंबर रख सकते हैं, बस आपका क्या फोकस होना चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ ये फोकस होना चाहिए कि आप फाई ऑफ एन सही से निकाल लो। अगर आपने फाई ऑफ एन जो है वो सही से कैलकुलेट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर फाई एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वन मॉड्यूलो एन के। तो एक एग्जाम्पल में यूज करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट से मान लेते हैं कि आपको 3 की पावर 121, ठीक है, और इसका रिमाइंडर चाहिए आपको 100 के साथ, है ना, या 124 ले लेते हैं अभी के, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 100 और 3 को प्राइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब आप 5 of 100 निकालो, है ना, 5 of 100 में, 100 में दो ही फैक्टर होते हैं, 2 और 5 प्राइम फैक्टर। तो 100 into 1 - 1/2 जो कि हाफ है, और 100 और इनटू में क्या आ जाएगा, 1 - 1/5 जो आ जाएगा 4/5। सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 40। तो सिंपली यूज कैसे करेंगे, 3 की पावर 40 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो, और यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा इधर 100, पर हमें 124 बनाना है। तो पहले दोनों साइड पावर 3 रेज कर लो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के जो लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स देखे थे, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब तो क्या होता है 1 ही होता है। अब इसे 124 बनाना है, 124 बनाने के लिए दोनों साइड 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 124, और 1 को 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81, और 81 का भी 100 के साथ रिमाइंडर 81 ही रहेगा, तो आंसर क्या हो गया, 81। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप मेरे को आंसर इसका कॉमेंट्स में बताना, कि मान लो आपके पास नंबर ऐसा है कि 7, है ना, 7 की पावर, और यहाँ ले लेते हैं 162, इसका रिमाइंडर आप सब बताने की कोशिश करना 300 के साथ, ओके, ये आप ट्राई करेंगे। तो आई होप नंबर थ्योरी के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, तो आप जाएं क्वेश्चंस ट्राई करें, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, कोई फीडबैक हो या कोई लेक्चर आप चाहते हो, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह के कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।